दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को क्यों पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था? एक समय था जब राजाओं या राक्षसों द्वारा किए गए पापों का बोझ मासूम लोगों के लिए असहनीय हो गया था। इसलिए उन्होंने मदद के लिए भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और पृथ्वी और उसके मासूम लोगों को बचाने के लिए उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनका अगला जन्म एक नश्वर के रूप में होगा। और इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म रानी देवकी के गर्भ से दुष्ट राजा कंस को मारने और मासूम आत्माओं को सांत्वना देने के लिए हुआ था। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वो स्वयं राजा बन गया था। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी। इसकी एक देवकी नाम की बहन थी। वो अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया। एक दिन जब वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन से तू इतना प्यार करता है, एक दिन उसके गर्भ से पैदा होने वाली आठवीं संतान ही तेरी मौत का कारण बनेगी। कंस को जब यह मालूम पड़ा कि उसकी बहन देवकी की आठवीं संतान से उसका वध होगा, तो कंस देवकी को मारने लगा। फिर राजा वासुदेव यह देखकर भयभीत हो गए कि कंस क्या करने वाला है। वे घुटनों के बल गिर पड़े और कंस से विनती करने लगे कि कृपया अपनी बहन को मत मारो, हमारा जो भी बच्चा होगा तो मैं खुद तुम्हें सभी बच्चे दे दूंगा। कंस ने कुछ देर सोचा और फिर कंस ने अपनी बहन और उसके पति को पकड़कर जेल में डाल दिया, ताकि वह एक एक करके उनके सब बच्चों को मार सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारागार में देवकी ने एक एक करके सात बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। फिर आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की आठवीं संतान रूप में स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म हुआ। कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के समय छह ग्रह उच्च के थे। उनकी कुंडली में लग्न में वृषभ राशि थी, जिसमें चंद्र ग्रह था। चौथे भाव में सिंह राशि थी, जिसमें सूर्य विराजमान थे। पांचवे भाव में कन्या राशि में बुध विराजमान थे। छठे भाव की तुला राशि में शनि और शुक्र ग्रह थे। नौवें अर्थात भाग्य स्थान पर मकर राशि थी, जिसमें मंगल ग्रह उच्च के होकर विराजमान थे। और ग्यारहवें भाव में मीन राशि के गुरु उच्च के होकर विराजमान थे। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी समय माता यशोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया था। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ लाओ। फिर जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, फिर घनघोर अंधेरे और मूसलाधार बारिश में भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना नदी ने भी शांत होकर वसुदेव जी के जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म की सूचना मिली, तो वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा। जब दुष्ट राजा ने बच्ची को मारने की कोशिश की, तो वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई और दुर्गा का रूप ले लिया। उस कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वह सकुशल वृंदावन पहुँच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसके बाद कंस ने कृष्ण को मारने की बहुत कोशिश करी, परंतु वह सफल नहीं हो सका और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने दुराचारी कंस को मार डाला। मित्रों, बुराई कोई भी हो, बुराई का जीवन काल छोटा होता है और अंत में सत्य की ही जीत होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों ही बहुत ही रहस्यमयी है।
उन्होंने जीवन को संघर्ष की बजाय उत्साह और उत्सव में बिताने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही संघर्ष में व्यतीत हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक संघर्ष या संकट को बहुत हल्के में लेकर उसे अपनी तरह से संचालित किया है। उन्होंने अपने जीवन को रोचक, रोमांचक और ऐतिहासिक बनाने के लिए खुद ही संकट और संघर्ष को जन्म दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कृपया अपना कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो सर्वप्रथम आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।